नहीं राजन, क्या आप दादा जी के पास जाना चाहते हैं? I'm not afraid.
राजन, अगर हमारी ये सब माता पिता बात को चचा जी जाकर कहेंगे कि बेटा इंदर हमें लाकर अगर नहीं देगा तो माता हमारी प्राण राज महत्व में नहीं रखेगी। नहीं राजन, ये तो नामुमकिन है यहाँ से लौटकर जाना, क्योंकि मैं इसलिए नहीं लाई हूँ कि मैं तुम्हारे वापस लौटा दूंगी। इसलिए वो सब बात छोड़िए और प्रेम बहुत कीजिए। लाख उपाय करेगा लेकिन मैं प्रेम नहीं करूँ। क्या नहीं करिएगा? नहीं। ठीक है, नहीं करते तो फिर से मैं सुगा बना देती हूँ। एक लेख दी तुम वहावत कर रही है। रुदल देवा महाराज, अब हम लोग राज महप्पा बगीचा पहुंच गया हूं। अब थोड़ा दूर भगना आला सदा का समझो कि कचहरी लगा हुआ होगा। समय कचहरी का है, जल्द चलो। ठीक है, मैं समझता हूँ तुम डर रहा है और डरने की इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन मैं क्या कहूँ। ठीक है, जब ऐसा हिम्मत नहीं जुट रहा है तो ऐसा मैं कर सकता हूँ कि तुम लोग बगीचा में ठहरो और ज्यादा देर नहीं 15 मिनट में तुम आ जाना। पहले जाकर हम ही अल्लाह को सब कुछ समझा दूंगा, वो समझ जाएगा तो तुम्हारा आँख कर फिर कहने में तो कोई भार नहीं पड़ेगा। हाँ ठीक है, लेकिन हाँ जाइए मामा, एक ही बात तीनों को कहना होगा अल्लाह सरदार से। कौन बात? कि भारी अंधड़ तूफान में हरिद्वार मेला में आ गया है, बहुत से लोग उड़िया गया मेला में, उसमें बेटा इंद्र भी उड़िया गया है। हम लोग पूरे मेला को खोजा नहीं मिला, तो शक होता है कि कोई किला में जाकर अटका हुआ होगा, इसलिए 5 महीना का छुट्टी दिया जाए, इंदल को खोज कर लाएंगे। समझा? हाँ ठीक, यही बात कह रहा हूँ। ठीक है मामा, चलो बगीचा में बैठ जाऊँ, मैं जाता हूँ। चलो चलो, लोग कहते हो कि मामा माहिल है जो नुदल को चुगल खोर है, चुगल खोर नहीं हूँ,
मैं तो दाव देखते रहता हूँ। ये दाव तो मैं सोचते रहता था कि ऐसा दाव मुझे मिल जाए, बिना दाव के चुगली कैसा। ये तो सारी बात को मैं जान गया हूं कि रुदल इंदल को बात जबरदस्ती मेला में लाया है, आल्हा का विचार नहीं था। अब मेला से वो गायब है, मेरा दाव तो भरा हुआ है, जाकर मैं चुगली खाऊंगा। इंदल है नहीं, इंदल को रुदल लानेगा कहां से। बहुत अच्छा हुआ, मेरा कलेजा आनंद हो जाएगा कि अपने बड़े भाई अपने छोटे भाई को जान मारेगा। मेरा ही नाम माही है, चलकर मैं लूतरी खाऊंगा, चुगली खाऊंगा। कैसा चुगली खाऊंगा मैं सोच से चलता हूँ, थोड़ा दूर है चलता हूँ। मैं तो मैं हरिद्वार मेला आया था कि चढ़ाई करा दूंगा वहां पर। चढ़ाई से तो अच्छा है कि बिना, इसी को कहा जाता है कि बिन मारे बैरी मरे खले भुगाए। चलता हूं अल्लाह के पास, दस रवान लगा हुआ होगा। हेलो दौरपाल। अरे कोई अति सलाम सरकार, सलाम सरकार। दौरपाल खुश रहोगा, बड़ी दिन पर अलखी ने की। हाँ हाँ हाँ, मैंने सोचा चलता हूँ राज महबा भगना आला सदा से मिलूंगा, इसलिए मैं आ रहा हूँ हरिद्वार मेरा से। जी जी भगना आला सदार है। हाँ बंगले पर रखे। चलो चलो मैं चलता हूँ। चलो ना। मामा श्री जी को मैं प्रणाम करता हूँ। खुश रहो भगना आला सरदार। कहो समाचार राजमहबे का, कैसा समाचार है तेरी माँ दिवला को। अब ना पहले बोलो मैं धोना का सर समाचार होती। लाओ 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 लाओ। गर्मी के दिन है को तरास हो गया है। कैसा समाचार भैया परिमाल सिंह का है, बहन मलहना का है, कैसा समाचार बहन दिवला का है, कैसा समाचार तुम्हारा है, कैसा समाचार बहुआ मछला को है। हिराज मोहल्ले का समाचार पूछते हैं मामा श्री। क्यों नहीं बताओ हिराज, क्यों नहीं पूछूं बताओ, कितने दिनों के बाद मैं आया हूँ राज महबा। हिराज मोहल्ले का समाचार सिर्फ कुशल ही कुशल है, लेकिन मैं आज आपको राज महबा में देखकर मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत दिन बाद आपको राज महबा को ख्याल आया है, इसलिए आप राज महबा में आ जाए हुए हैं। मामा श्री भगनाला सरदार आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। सुनिए मामा श्री भगनाला सरदार, क्या कहना चाहते हो। आज कहत कुशलिया है मामा जी अपन राज उरियल का, क्या आज कैसन कुशलिया रहल आप राज उरियल का जी, तोहर आज हाल बता दत। मामा श्री जी क्या आप ये बताइए कि राज उरियल का समाचार कैसा है, बामनो किला का समाचार कैसा है, जो मैं समाचार जानना चाहता हूँ। भगदार सरदार, राज उरियल का समाचार ठीक है, बामनो किला का समाचार भी ठीक है। मैं समझ गया तेरे बानी से बामनो किला का समाचार पूछने का मतलब क्या हुआ। क्या यही ना
कि कोई ऐसा भी किला है जो कोई योजना तो नहीं बना रहा होगा राज्य महुआ पर आक्रमण करने के लिए, यही ना? हाँ मामा श्री मैं समझता हूँ, लेकिन भरमा ऐसा कोई बात नहीं है। मैं तो बामनों किलाओं को राजाओं से मिलकर आ रहा हूँ। इस समय बामनों किला का राजाओं हरिद्वार मेला में जुटे हुए हैं और मैं हरिद्वार मेला से आ रहा हूँ, तमाम राजाओं से मिलकर आ रहा हूँ। तमाम राजाओं को एक ही सवाल, हरिद्वार में स्नान, किसी को शाही स्नान, किसी को साधारण स्नान, स्नान स्नान। तो मैंने हरिद्वार मेला से आ रहा हूँ, मैंने सोचा कि चलो रास्ता में महुआ होते भग्न आला से मिलते हुए राज उरियल को चला जाऊंगा। बहुत सुंदर बात, क्या है आप हरिद्वार मेला से आ रहे हैं मामा श्री? हाँ हरिद्वार मेला से आ रहा हूँ। हमारे भी भाई रुदल, भाई डिबा, बेटा इतल हरिद्वार मेला को घूमने गए हैं। क्या आप हाल समाचार बता सकते हैं मामा श्री जी? क्यों नहीं, मैंने तो कहा बामनों किलाओं को राजाओं से मिल कर आ रहा हूँ। तो मामा श्री आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। क्या आप कहते कुशलिया मामा जी हमरो बेटा इंदल का, आप कैसन कुशलिया रहले हमरो बेटा इंदल के जी हरिद्वार। मामा श्री जी क्या आप हमारा बेटा इंदल का हाल समाचार बताइए कि बेटा इंदल का हाल समाचार कैसा है? भगनारा सरदार, मैं तो समझता हूं कि इंदल का समाचार नहीं पूछो तो अच्छा रहेगा। क्या और मैं उरियल को चला जाता हूं। आप कैसी बात करते हैं मामा श्री? आप जब खुद कह रहे हैं कि हरिद्वार में सभी से मिल कर आया हूँ और जब समाचार पूछता हूँ तो आप कहते हैं कि समाचार ना पूछो तो अच्छा है, बात क्या है मामा श्री? मैं बात तो यही है कि मैं जानता हूँ कि तुम मामा के बात पर विश्वास नहीं करेगा। क्या ये विश्वास करने या ना करने की इसमें बात कहाँ है? बात आखिर है क्या है? विश्वास करेगा? जरूर विश्वास करूंगा आपको बात को। तो सुनो। ठीक है बोलिए। भगन सुन लला मंडली के सरदार, अरे बादल फाल दिया भगना देवा रूदल हरिद्वार मेला में, अरे बादल फाल दिया भगना देवा रूदल हरिद्वार मेला में, मोहवा में जुलम दिया गुजार मोहवा में भगना देवा रूदल जुलम दिया है गुजार, अरे बादल फाल दिया हरिद्वार। क्या मामा श्री हरिद्वार मेला में देवा रुदल बादल फाड़ दिया है और मोहम्मद ने जुल्म गुजार दिया है। क्या मामा श्री तुम्हें पता नहीं है? आज भी लगता है कि मजाक कर रहे हैं। तो कैसन जुलम माए मामा जी करती हलन भाई जोर दलने, हाथ जुलम के बात है मामा जी आप तू कही के बेटा जी सुनाई, आज कैसन जुलम माजी
कैसा जुलूम गुजार दिया हरिद्वार में, जो आप जुलूम की बात बताने से संकोच करते हैं। बात क्या है मामा से? भगना, तुम्हें जानकारी नहीं है, मेला में ले जाने का षड्यंत्र देवा और रुदल का था। तुम्हारा बेटा इंदल को ऊद चढ़ाया रुदल देवा, तब मेरा ले गया। तुम्हें पता इस बात को नहीं है? मैं इस बात को मेला में गया, तब मेला में इस रहस्य को मैं जाना हूं। क्या किस लिए ले गया था? किस लिए जानते हो किस लिए ले गया था? जे बताइए। सुनो, भगन सुनल मंडली के सरदार, सब कोई चढ़ा गई भगना, माता गंगिया में खसिया पठिया, सब कोई चढ़ा गई भगना, माता गंगिया में खसिया रे पठिया, रूदल चढ़ा दल कई तेरा बेटा इंदल के हो बलिदान। क्या मानस ये भाव में? अरे रूदल देवा मिल के इंदल के दिल कर माता गंगिया में भेंट हो जाए, सब को चढ़ा पाई खसिया हो पठिया। सब कोई माता गंगा में भी खस्सी पाठी भेड़ बकरा चाह रहा था, लेकिन तेरा भाई ने दही पापी इंदल को माता गंगा में भेंट चढ़ा दिया। क्या माना से लिया? नाम सनाप भक्त जा रहे हैं। अनाप सनाप नहीं भगने, मैं सत्य कह रहा हूँ। तुम अपनी आंखों से नहीं देखा है, इसीलिए तुम्हें लगता होगा कि मामा क्या अनाप सनाप बक रहे हैं। जानते हो गंगा में स्नान कराया इंदल को, फूल माला गले में डालकर उस पर तेगा चला रहा था। तो तेरा बेटा इंदल जारू में दारू रोता था कि चाचा जी ऐसा गलती मत कीजिए, लेकिन दही पापी रुदल ऐसा तलवार मारा गंगा की बीच जल में, धड़क धड़क सिर अलग भेंट चढ़ा दिया। पाप निर्दय तेरा दुश्मन है, तुम इस बात को नहीं जानता। मैं समझ गया,